हेलो गाइस, फर्स्ट ब्लॉग गाइस, फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस आज हम मतलब रंगशाली टू डिब्रूगढ़ जगन्नाथ मंदिर हम जा रहे हैं और करीब करीब हम 10 से 12 किलोमीटर आ चुके हैं। एंड आप लोग देख सकते हो ये। बुरी दहिंग रिवर के सामने हम पहुंच चुके हैं एंड हम घर से 15 से 20 किलोमीटर आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ मंदिर 15 से 10 किलोमीटर है। आई थिंक 10-15 किलोमीटर ही होगा। यह है बुरी दहिंग ब्रिज, आप देख सकते हो, और यह है बुरी दहिंग रिवर। यार व्यू गजब का निकलता है यार, वहाँ का। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा देने वाला हूँ बेसिकली। आप लोग मज़ा देते रहे ना। तो गाइस इतना गर्मी भाई, इसलिए मैंने मेरा जैकेट भी उतार दिया भाई, बहुत गर्मी है। हम अभी भी बुरी दहिंग ब्रिज में ही खड़े हैं और ये ब्रिज और ये रिवर। तो गाइस देख सकते हो अभी हमें ये जो राइट रोड है इस तरह जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लगभग 25 किलोमीटर आ चुके हैं, जगन्नाथ मंदिर इस रोड से हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस एक्साइटेड, वेरी हाई लेवल में चला गया अभी और अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं क्या होगा आगे का सफर। यार गाइस फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना के यार अच्छा लग रहा है। पता नहीं वीडियो कैसे लग रहे, मुझे पता नहीं। ऐसे इधर व्यू बहुत अच्छा है, जैसे एक गांव, मतलब एक गांव की तरह भी मतलब लग रहा है कि एक गांव में हूँ हम लोग। ऐसे नहीं लग रहा कि हम इतना दूर आ चुके हैं, 25 किलोमीटर हम आ चुके हैं, बट नहीं लग रहा है कि हम 25 किलोमीटर साइकिल से आ चुका है। वहाँ का समय यार मज़ा आ रहा है, देखो ना यार व्यू ना, ये सारी गाँव की तरफ ही लग रहा है यार। तो गाइस और जगन्नाथ मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर है भाई, बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। देखो जगन्नाथ टेम्पल 1 किलोमीटर। गाइस अभी हम राइट साइड ले रहे हैं इस रोड में, सिर्फ 1 किलोमीटर है रे बाबा, मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस फाइनली आज का जो सफ़र है वो सक्सेस होने वाला है फाइनली। चलो जा के दिखाते हैं भाई, लिटरली मज़ा आ रहा है भाई, फील ऑल्सो वेरी गुड यार, मैं देख सकते हो। तो फाइनली हम जगन्नाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, 1, 2, 3। तो गाइस देख सकते हो भाई, गाइस आप लोग देख सकते हो ये जगन्नाथ मंदिर का जो गेट है, एक्चुअली ये वाला गेट। तो गाइस अब हम अंदर जाने वाला है। तो गाइस तो पहले हमें इधर दर्शन करना पड़ेगा, चला लेते हैं उसके बाद ऊपर दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर जी का ऊपर दर्शन करने के लिए, तो देखते हैं ऊपर का व्यू कैसे रहता है। तो गाइस हमने दर्शन कर लिया और देखो प्रसाद खा रहे भाई, एक फील मतलब बहुत ही क्या बताऊं यार, कुछ शब्द नहीं रहता है भाई। जब कहीं पर कहीं मंदिर पर आप आओ और उसमें दर्शन करो यार, जो फील रहता है ना माँ कसम यार, बता नहीं पाएंगे यार। अभी देख लेते और अभी नीचे की सिचुएशन क्या दिखाते हैं भाई, चलो नीचे की तरफ। तो यार हम नीचे आ चुके हैं एंड अभी नीचे जितना भी मंदिर है हम वहाँ पर जाएंगे। आई थिंक इसमें यज्ञ होता है, देखो ना मुझे लगता है इधर यज्ञ होता है। फर्स्ट हम नीचे में शिव मंदिर महादेव। तो गाइस हम अंदर महादेव जी को प्रणाम कर लिया, तो मैं तो चाहता हूँ महादेव से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेता हूँ बस। तो शिव मंदिर से हम निकल आए और अब हम मैं जा रहा हूँ बेसिकली, तो मैं जा रहा हूँ आप गणेश मंदिर। तो चलो यार पूरा जगन्नाथ मंदिर घूमेंगे यार, गणेश मंदिर।
तो ये जगन्नाथ मंदिर के मंदिर। अरे शिवाजी कैसे है भाई? सही बात है। उसके बाद जा रहे हैं मैं बिरला मंदिर। तो ये है बिरला मंदिर, तो देख सकते हो ये बिरला मंदिर। तो फिलहाल मैं बिरला मंदिर में दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंदिर हम जाएंगे। तो अब ये है नवग्रह मंदिर, देख सकते हो ये है नवग्रह मंदिर। मतलब क्या नौ ग्रह है क्या इधर? इसमें क्या करना पड़ता है मुझे तो मालूम नहीं है वैसे। तो देख सकते हो, पता नहीं मैं तो घूमे जा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ होगा नवग्रह हो जो भी हो रस्ते पर दे दो बस। तो नवग्रह मंदिर दर्शन कर लिया, अभी नेक्स्ट कौन सा मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं मैं। तो राम जी का दर्शन हो चुका है एंड नेक्स्ट मंदिर आई थिंक लक्ष्मी मंदिर। तो गाइस ये है लक्ष्मी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी मंदिर है ये है लक्ष्मी मंदिर। तो लक्ष्मी मंदिर दर्शन कर लेता हूँ और आई थिंक और एक मंदिर है तो उसके लिए चलते हैं। उसके बाद लास्ट जो मंदिर है वो है हनुमान जी का मंदिर। भाई आई डोंट नो मेरा सुकून क्या हो रहा है भाई, लिटरली अभी हनुमान जी हनुमान मंदिर। तो हनुमान जी का मंदिर भी दर्शन हो गया, प्रसाद भी खा लिया भाई। तो आप देखते आप क्या करेंगे। तो गाइस जगन्नाथ मंदिर का जितना भी मंदिर है हमने दर्शन कर लिया और आई थिंक अभी कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो जगन्नाथ मंदिर का जो बैकग्राउंड में है। भाई आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो ये जो डिज़ाइन किया रहा, माँ कसम यार गजब का, यार गजब का, यार गजब का यार। तो बेसिकली ये है डिब्रूगढ़ का जगन्नाथ मंदिर। भाई खुशी का खबर ये है जो जगन्नाथ मंदिर में ही कैंटीन भी है। भाई देखो ना यार, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैंटीन भी है। तो वैसे सही है, बेसिकली जो मंदिर में लोग घूमने आएंगे तो कितने दूर दूर से आते हैं, तो कैंटीन है बहुत सही बात है। अंदर आई थिंक ये भेज का होगा, आई थिंक मंदिर है जो भेजी होगा आई थिंक। तो देखते क्या करते हैं हम। तो गाइस हमने पूरा मंदिर घूम लिया, बट मंदिर अगर घूम लिया यहाँ पर कैंटीन है तो इस मौका को हम क्यों ना लें भाई। हम अभी मौका का चौका भी मारने वाला है, तो चलो अभी कैंटीन में जाते हैं क्या होता है देखते। तो गाइस कैंटीन में आ चुके हैं और हमने पराठा ऑर्डर कर दिया, दो प्लेट पराठा ऑर्डर कर दिया इसका मेरा। तो देखते हैं पराठा कब तक का आ जाए। तो कैंटीन के अंदर शीशा, तो इसमें वीडियो करने में मज़ा आ जाता है यार गाइस। इसमें अब कैंटीन में देख सकते हो ये सैबलॉन भी दे दिया, और क्या चाहिए भाई। आप धो लेते हैं भाई, जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, बट क्या करें। तो यार मंदिर से निकल गए तो बाय बाय। तो फीलिंग बहुत ही अच्छा रहा एंड हमारा आर्यन का फीलिंग कैसा रहा भाई, फीलिंग कैसा रहा है बता। बहुत मज़ा आया गाइस। तो गाइस जगन्नाथ मंदिर हम छोड़ के जा रहे, जाने को मन नहीं कर रहा, फिर भी यार देखो ना कितना प्यारा है भाई, जाने को मन ही नहीं कर रहा। अब फिर से चलते चलना, क्या करे भाई जाए क्या? नहीं नहीं फिर से आएंगे, फिर से आएंगे भाई। बाधा रहा जगन्नाथ मंदिर में, मैं फिर से आऊँगा कसम से, कब आऊँगा आई डोंट नो बट आऊँगा। तो गाइस हम अभी जगन्नाथ मंदिर से निकल चुके हैं एंड गाइस सबसे बुरा लग रहा है कि मतलब देखो ना यार इतना खुशी से आए हैं, लेकिन जब आए थे तब नहीं देखा, बट अब ना इधर जो मेन रोड है बाईपास सामने कुत्ते मरा भाई, गाड़ी ने मार दिया है। मैं वो सीन दिखाने नहीं वाला हूँ, मतलब बहुत गंदे वाला हो चुका है, बट
यार जो भी गाड़ी चला करो ना थोड़ा धीरे चलाया करो क्या यार। तो गाइस हम जगन्नाथ मंदिर से निकल के आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन हमारा हालत मतलब बहुत बेहाल हो रहा है। देख सकते हो हम आर्यन एंड मी थोड़ा धीरे रुके एंड पता नहीं और आई थिंक और 15 से और 15 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा देर रुक लिया है, 5-10 मिनट रुकेंगे उसके बाद फिर से चलते हैं। तो गाइस अभी सिर्फ 3-4 किलोमीटर बचा है हम घर पहुंचने में। जगन्नाथ मंदिर से लगभग हम 30 किलोमीटर आ चुके हैं और सिर्फ 4-5 किलोमीटर होगा घर पहुंचने में।